देश में तुअर दाल के इंपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। दिसंबर में तुअर दाल के इंपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। सरकार के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी देने का असर दालों के इंपोर्ट पर पड़ा है। जानकारों की राय है कि मार्च तक इंपोर्ट और बढ़ेगा। 31 दिसंबर 2021 तक 5 लाख टन से ज्यादा दालों का इंपोर्ट हुआ है। वहीं जानकारों का मानना है कि मार्च 2022 तक दालों का इंपोर्ट 6.5 लाख टन तक पहुंच सकता है। इंपोर्ट बढ़ने से बाजार में तुअर की कीमतें स्थिर रहेंगी। खरीफ की फसल आने से कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। बता दें कि भारत 10-12% मांग पूरी करने के लिए तुअर का इंपोर्ट करता है। दालों का इंपोर्ट बढ़ने की वजह पर नज़र डालें तो दिसंबर में दालों का इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हुआ है। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी फ्री की है। सरकार ने तुअर, उड़द, मूंग दालों के इंपोर्ट को फ्री ट्रेड पॉलिसी में डाला है। इन दालों पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट 30 जून 2022 तक लागू रहेगा। बता दें कि 2016 में 200 रुपये प्रति किलो तुअर दाल का भाव हुआ था। 2016 में भारत ने मोजाम्बिक के तुअर दाल के इंपोर्ट के लिए करार किया था। मोजाम्बिक से हर साल 2 लाख टन तुअर के इंपोर्ट का करार किया था। सितंबर 2021 में मोजाम्बिक से करार को 5 साल और बढ़ाया गया है। भारत ने मलावी और म्यांमार के साथ 2025 तक के लिए करार किया है। मलावी और म्यांमार से तुअर दाल के इंपोर्ट के लिए करार किया है। मलावी से 50,000 टन सालाना तुअर इंपोर्ट का करार किया है। वहीं म्यांमार से सालाना 1 लाख टन तुअर इंपोर्ट का करार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।